सब लोग किधर गए? मेरी ईदी सारा माल ईद पे मिलेगा। चलो पिछली दफा 10 रुपए दी थी, इस दफा 20। ईदी है मम्मी। अच्छा मैं बांटूंगा। वो सब चीजें सस्ती थी ना, महंगाई हो गई है। अल्लाह का शुक्र। हाँ Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. और अगर आप लोगों ने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो फटाफट से subscribe कर दे और bell icon को press कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली video का झटपट से पता चल जाए। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले vlog में बताया था कि भाई ईद के लिफाफे आ गए, तो भाई ईद के लिफाफे बगैर ईदी के किसी काम के नहीं है, तो आज हम फिल करेंगे उन लिफाफों में ईदी और बांटेंगे जिन जिनको ईदी देनी है। ठीक है, कुछ मेरी बहनों की ईदी है, कुछ मामा की ईदी है, सब पैक करते हैं और दिखाती हूँ आपको कि किसको कितनी ईदी मिलने वाली है। और कुछ ईदी हम लोगों ने बच्चों को देनी है क्योंकि ईद जो होती है ना वो हमेशा बच्चों की होती है और बच्चे हमेशा पैसे लेके खुश होते हैं। तो भाई लिफाफे तैयार करते हैं और सबकी ईदी करते हैं रेडी और अभी चल के नीचे बनाते हैं इफ्तार स्पेशल वाली। तो भाई थोड़े ही दिन रह गए हैं, रमजान चला जाएगा, तो भैया हम लोग करते हैं इफ्तारी का तमाम अच्छे से और चलते हैं नीचे और बताती हूँ आपको कि आज क्या क्या होने वाला है। तो भाई मैं यहाँ पे आई हूँ नीचे और ये डेकोर करवाया था फातिमा ने फॉर इफ्तार और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक स्टिल यहीं पे है, मुझे एक वीडियो के लिए यूज करना है। यहाँ पे हमने आज की इफ्तारी हम यहीं पे बैठ के करेंगे और ये मेरी पता नहीं किसने मामा ने उतार दी है, आधा आधे से ज्यादा उतर गया है। तो भाई यही होता है जब आपके घर में बहनें होती हैं ना, आती हैं उतारती हैं खींचती हैं और ये कोई एक दिन तक भी सही से सलामत से नहीं रहा, ये एक दिन के बाद टड़ुम उतर ही गया। बाकी सब लोग किधर है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? न राबिया है, न ज़ैनब है, फातिमा पर सो रही है। सब लोग किधर गए? मेरी ईदी हिरा को सोते उठते जाते ईदी ईदी और सिर्फ ईदी की पड़ी है। तो भाई यहाँ पे मेरी अम्मा जोरों शोर से इफ्तार की तैयारियां करने में लगी हुई हैं, आटा गूंद रही हैं। मामा आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं हर किसी से चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो हर किसी से ईदी ले रही हूँ और मैं शर्मिंदा होना चाहती हूँ ईदी लेके। तो प्लीज़ आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में से भी कोई ईदी देना चाहता है तो मुझे शर्मिंदा कर सकता है ईदी दे के, मैं खुशी खुशी शर्मिंदा हूँ। ईदी लेना भी चाहती हूँ, देना भी चाहती हूँ। नहीं देना नहीं चाहती, लेना चाहती हूँ तो आप ईदी देंगी। ठीक है, मैं तो दे ही दूंगी। ठीक है, मुझे मिलेगी भी ना, सोच के बताती हूँ। वैसे भी हमने पैकिंग करनी है ईदी की, तो ठीक है डिसाइड करते हैं कि कितनी ईदी किसको क्या देनी है। और यहाँ पे आ गई है फातिमा मैडम। फातिमा कहते हैं छोटों से ईदी नहीं लेनी चाहिए, शर्मिंदगी होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे ईदी दे के शर्मिंदा कर दो प्लीज। ठीक है, ये तो ईद वाले दिन दूंगी ना सबको ईदियाँ, फिर मुझे अभी से ही शर्मिंदगी का एहसास चाहिए। रोजों में नोटों का एहसास, रोजों में ईद थोड़ी मनाती हूँ। तो यार दे दो ना, ईद पे ही मिलेगी मेरे लिए। अभी से ही ईदी लेने के गेट ओपन है, अभी शुरू करूंगी तो ईद तक कुछ ना कुछ माल इकट्ठा कर सकती हूँ ना। माल ईद पे मिलेगा। चलो ठीक है, पर फिर भी क्या है, मैं कुछ तो सरप्राइज किया हुआ है तो अभी मैं नहीं बता सकती। चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन अभी तुमने मेरे साथ बैठ के ईद के लिफाफे पैक कराने हैं। ईद के मेरे पास नए नए नोटों की गट्टियां हैं, वो हमें लेके आते हैं नीचे, सारे बैठ के पैक करते हैं और तुमने मेरी हेल्प करानी है। ठीक है, उसमें से कुछ चोरी नहीं करना है। ओके A few moments later. Okay guys, इफ्तारी करने के बाद जो मेरी बहनें थी कहीं गई हुई थी, अभी आ गई। एक बहन इधर बैठी हुई है, एक इधर बैठी हुई है। ये तो आज मेकअप की फुल शॉपिंग करके आई है, इतना ज्यादा शदीद मेकअप लेके आई है। मेरी अम्मा बैठी है। Are you guys ready? हम लोग ईद के लिफाफे तैयार करने लगे हैं, किसको कितनी ईदी देनी है वो सब हम इधर बैठ के लिफाफे रेडी करेंगे। तो भाई अब मैं लेके आती हूँ ऊपर से कड़कते हुए नोट और हम लोग बनाते हैं लिफाफे। Let's go. और गाइज यहाँ पे तो मैंने आपको एक चीज दिखाई ही नहीं। ज़ैनब अपना इस साइड से पोज दिखाओ, अपना इस साइड से पोज दिखाओ। मैडम ने इतना बड़ा रिस्क लेके करवा ली। मेरी सारी दोस्तों ने कहा था कि हीरा भी बोलेगी कि सबसे प्यारी लग रही है, ब्रेव गर्ल। अच्छा ज़ैनब, मैंने पहले ना शॉक्ड हो गई कि यार इसने किसी को नहीं बताया और करा गया, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसके साथ मामा मिली हुई थी। मामा ने कहा चल बेटा जी ले अपनी सिमरत जिंदगी। मैंने लोगों के साथ प्रैंक किया, लोगों के साथ भी प्रैंक किया। लोग सोच रहे थे मैंने पूरे अपने व्लॉग में ये बोला कि मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर अंदर मामा को पता था। पर सही लग रही है, अच्छी लग रही है और अब तुमने करा लिया तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, मामा चिड़िया को मैं इधर पकड़ के बैठाऊंगा, इधर बैठ आके चिड़िया की एग्जाम्पल, चिड़िया की एग्जाम्पल देती भी अच्छी नहीं लगती है। तो भाई अभी मैं लेके आ रही हूँ ऊपर से कड़कते हुए नोट, साथ में नए नए लिफाफे और बनाते हैं ईदी। और खबरदार किसी ने पैसों की हेरा फेरी लगाई, मैंने पा पा कर देनी है उसकी। मुझे सबसे ज्यादा ईदी देना। चलो पिछली दफा 10 रुपए दी थी, इस दफा 20, डबल। पिछली दफा 10 दी थी,
5000 दी, इस दफा 5000 ₹10 10000 शक्ल है तुम्हारी, मैं तुम्हें इतनी दे दूंगी, दे देना ना, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मॉम रख लेगी पैसे तो जितने मर्जी दे देना। हम दर्द समझ सकते हैं, हम बचपन से इसी दर्द से गुजरते हैं, सारी ईदियाँ मामा के पास, इवन अभी भी जो भी ईदी आती मामा के पास, और मामा अपनी अलग से ईदी भी मांगते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें जो चाहिए होता है वो मामा से मांग लेते हैं, तो क्या फायदा। एग्जैक्टली, तो भाई नीचे इसकी डिस्कशन को लेके ना काफी ज्यादा बहस मुबासा छिड़ गया कि मुझे इतनी ईदी चाहिए, मुझे मामा से इतनी ईदी चाहिए। आज इस दफा ईद पे पापा नहीं होंगे, हमेशा पापा ईदी हमें डायरेक्ट हाथ में देते थे, इस दफा पापा से पापा जी अकाउंट में भेज दे, और थोड़ा सा शर्मिंदा करते। मैं ये वाली शर्मिंदगी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ईद दे के शर्मिंदा कर रहा है। अगर आप में से भी कोई ईद देना चाहते हो प्लीज़ ईद दे के शर्मिंदा कर दे मुझे। खैर अभी हम लोग लेते हैं लिफाफे और निकालते हैं नए वाले नोट, दिखाती हूँ आपको। तो भाई ये नए नोट मैंने ना बड़ी मुश्किल से अरेंज कराए हैं, आप नीचे चलते हैं और इनको वन बाय वन ना पैकेट्स में डालते हैं। तो भाई मैंने ईदी भी पकड़ लिया और ईद के लिफाफे भी पकड़ लिए हैं, आप पैक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इसमें से ना डंडी लगाता है, कौन ईमानदारी से अपने लिफाफे पैक करता है। और मैं इनको कुछ नहीं बताने वाली कि इनको ईदी क्या मिलेगी, लेकिन फिर भी सब लिफाफों में एक इक्वल ईदी डलेगी और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई ले ईदी, ईदी पैक करनी, सिर्फ ब्लू वाले चाहिए, रेड वालों की कोई जरूरत नहीं। ये देखो ये पता नहीं कहाँ से आई हैं। ए ईदियाँ गिव इट टू मी, ये भी हम बैठ के पैक करते हैं बेटा, गिव इट टू मी। ऐसे आपके नाक पे ऐसा लग रहा है आपने पियर्सिंग कराई हुई है, ऐसा लग रहा है आप पे बहुत ज़ैलब, अब तुम्हें सोते जागते हर किसी के नाक पे पियर्सिंग नजर आएगी। कमेंट करो हिराप के नाक पे बहुत अच्छी लगेगी ये जो मैंने जैसी पहनी है वैसी पियर्सिंग, बहुत अच्छी। मैं ना फेक पहन लूंगी क्योंकि मुझे ना हर चीज दो दिन बाद ना बुरी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन तो मैं किसी दिन यहाँ पे कराऊंगी पियर्सिंग। या मैंने यहाँ पे कराई थी ना ये वाली पर थोड़ी सी पेन होती, थोड़ी सी लेकिन ये हमारी कूल मामा, इन्होंने इजाजत दे दी। मामा ये देखें, पता नहीं कहाँ ईदियाँ मम्मी। अच्छा मैं बांटूंगा। अच्छा ठीक है आप मम्मा। अरे ईदियाँ पैक करने से पहले ही मम्मी ने ले लिया, ये यूनिवर्सल मॉम है, हर ईदी पहले ही अपने पास पैक करने का। मम्मी मम्मी ईदी पैक करने से पहले पहले ही वो डस्ट पैक करे। बालो कुड़ी आजो, चलो आओ बच्चों ईदी पैक करे। ज़ैनब आजो ईदी पैक करे। राबिया और फातिमा दोनों आ जाओ मामा अंदर, ईदियाँ मेरे से मामा ने खूंस ली हैं और अब कह रही हैं कि अंदर आओ। ये वाली क्या, तो मामा ने ईदी छुपा ली हुई ना। नहीं नहीं नहीं, पता क्या कह रही है, वो कह रही है कि अंदर आओ मेरे साथ बैठ के पैक करो। फातिमा आ जाओ। चलो गाइस मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर गई हूँ, मेरी मामा ने पैकेट्स खोलना शुरू किए हैं और ईदियाँ। अच्छा नहीं ना पैक करती मैं, अच्छी पैक करती हूँ। ठीक है भाई ठीक है, आपको एक बात बता दूँ, ये 75 वाले नोट मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे, ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन थे, लेकिन मैंने स्पेशली क्या अरेंज किया कि भाई मुझे 75 वाले नोट चाहिए और बच्चों को मैं इन्हीं की ईदियाँ दूंगी, जितने भी छोटे बच्चे जैसे कि ज़ैनब को 75 रुपीज़ में ईदी मिली। यस तुम्हें ऐसे ऐसे 5 नोट मिलेंगे। किसने कहा है, चल जाते हैं बल्कि पिछले वाले हमारे पास एक पूरी वो आई थी, इसका बंडल आया था, वो चल गए थे सारे के सारे। राबिया माना तुम आज मेकअप खरीदा, ये छोड़ दो शीशे की जान। मैं अपना खरीद के लाऊंगी, मुझे भी लगाना है 50%। जिसने बहस की ना मैंने उसे ये एक देना ईदी में, ठीक है। मुझे ठीक है, ग्रीन नोट भी चाहिए, मुझे ब्लू नोट चाहिए। ठीक है, वाले किधर गए हैं वो, मैंने जिनको देने उनको डाल। मम्मा तुमने कहा बच्चों को डाले, वो बड़ों के लिए डालो। मम्मा बड़ों में मेरी बहनें आती हैं और आप आती हैं, आपने सारी चुप। आपने कहा ईदी देने तो बाद में मेरे को ही जाने ने ना, तो हले ही मैं रख लेनी है। हाँ जी इसने क्या किया, इसके मैं ये ढूंढ के तुमने सुबह किससे पूछ के मेरा लेके गई इन लोगों की लड़ाइयां ही खत्म। इसका पूरा बैग ले गई, अंदर कार्ड भी था वो भी ले गई, और कार्ड से इसके नाम के अंदर कुछ है। नो ज़ैनब इज रोस्टेड इन दिस वीडियो, ज़ैनब वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो, नो ज़ैनब इज हार्म्ड इन दिस वीडियो। नहीं मैं गलत में नो स्पिन की उतार दिख रही है हां, और वो बहुत अजीब लग रही है। यार मम्मा से 1000 के नोट निकलवाओ, किधर गए मामा ने आपको खुद दिए हैं। और फातिमा देखे, फातिमा को चुप लग गई है, वो देख रही है कि मम्मा ने तो 1000 ले लिए, तो क्या हमें 75 नोट से गुजारा करना पड़ेगा। इनको 10-10 दे दो। मम्मा ये छोटे बच्चों के लिए ईदी है, ये बड़ों को नहीं जाएगी। इनको ज्यादा दे दो। किनको? इनको मैंने 1000-1000 वाले नोट देने थे, वो सब पूरा बंडल ही छुपा लिया मम्मा ने। किधर है यार, मुझे लगा था ये ना नोट मामा ने ना कहीं इधर उधर छुपा के रखे होंगे, बट मामा भी गई है और 1000 का नोट भी, मुझे वो पूरा बंडल कहीं दिख ही नहीं रहा है। मामा के हाथ की सफाई चेक करो। तुम्हें नहीं ज़ैनब ऐसा रख दो, चिटिंग अलाउ नहीं है ना, तुमने कितने ज्यादा नोट ड्रॉर में रखे हैं, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मेरे होते हुए चिटिंग नहीं होगी। अब तुम्हारी भी हरकतें हो रही हैं यार, खुले नोट ज़ैनब अभी भी अंदर ही हैं, अभी भी ड्रॉर के अंदर ही रखे हैं। फातिमा भी 75 वाले नोट लेकर रखो, चक्कर हो रही नए नोटों की। मैं नए नोट पुराने नोट दोनों नोटों की खुशबू चाहती हूँ, जिसने भी नोटों की खुशबू देनी है मुझे दे सकता है। और नए नोट गर्म भी होते हैं जब आते हैं ना,
मम्मा इधर आना जरा, किधर है मेरा वो 1000 वाला बंडल? मम्मा हम सब बच्चों ने मम्मा से चलाकियाँ सीखी है, मुझे अब पता चला हम जितने भी चलाक है ना वो सब अपनी मम्मा पे गए। इसके नीचे लिखा हुआ है विद बेस्ट विशेस फ्रॉम हीरा फैसल। हाँ तो मैंने स्पेशल करवाए थे बहुत पहले, प्रिंट कराए थे सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम हीरा फैसल। ज्यादा सारी छोटे बच्चों को ईदी देनी है और कुछ सुमलों की ईदी है और कुछ और लोगों की। पता है मैंने बाहर छोटी बच्ची और बच्चे को ईदी दी थी अपनी तरह से, मैंने 200 रुपए एक बच्ची को दी थी, एक बच्ची को चूड़ियां दिलवाई थी। फिर वो अलग बात है, दोस्त के पैसों से थी वो। चलो ईदी तो ईदी होती है, जिसकी मर्जी पैसों से, वो तो कोई मसला नहीं है जी। जैनब को मुझे मैसेज आता है ये एक नंबर भेजती थी इस अकाउंट पे 550 खुद ही हवा में पैसे भेजती हूँ सबको। खुद सा मंगवाया मामा। ये कौन सा खुशा जो 550 रुपए में मिलता है? वैसे एक बार बताओ, अंकल ने कहा अगर आपसे और मेहंदियां लेने जाने का, अंकल ने कहा अगर आपने पैसे ना दिए तो मैंने आपकी वीडियोस के नीचे कमेंट कर देना कि ये ज़ैनब फ्रॉड निकली पैसे दिए। तो बोलो आप कमेंट करें या ना करें, मैं वैसे ही फ्रॉड हूँ, है कि नहीं है? मैं गिरा आया बंदा। चले मम्मा बच्चों की मिली और वो देखना स्टिल गिनी जा रही है, काउंटिंग कर रही है। मामा बड़े इस घर में 5, मैंने आप ही की भी ईदी रेडी कर ली है। बात सुनो ये किसके लिए पैक कर रही हूँ? सबके लिए, पहले हम छोटे बच्चों की ईदी पैक करेंगे। कौन छोटे बच्चे? जो भी हमें जो भी छोटा बच्चा दिखा, क्योंकि ईद बच्चों की होती है तो हम बच्चों को ईदी देंगे। अच्छा बच्चों को 2, 1, 75, 1000 वाले 10 ऐड कर दो ना, 1000 वाले सिर्फ बड़ों को मिलेंगे। नहीं नहीं बच्चों बच्चे को तो छोटे, हाँ 100 वाले छोटे बच्चे करते हैं। ये क्या अकाउंट की जा रही हूँ, ये ऐसे थूक परचून की दुकान पे काम करती है। ये 3000 के अंदर ये मेरे में, ठीक है 5000 निकाल रही हूँ थोड़ा यार। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं सही है मम्मा, ये इतने कम क्यों हो गए हैं मम्मा? ये कम क्यों हो गए हैं? ये पूरा बंडल लाई थी। हाँ ये पूरा बंडल था। इसी पैकेट में 2 नोट डाली तो किसी बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं कर रहा है। हर किसी की सही होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ काम करना है। एक में 2 डाल दूंगी ये लक। अभी यहाँ पे जोरों शोरों से पैकिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है 2000 10000 ये कितना? ये हुआ मेरा। ज़ैनब इधर आओ, ऐसे नहीं जा सकती तुम, रखो इधर पैसे। की बच्चियां तस्बी सोनिया उनको भी देनी आई थी, ठीक है ज्यादा सारी दी यार। ये 10000 ये इधर रखो पैसे यार। ये सारे लिफाफे मुझे फिल चाहिए। कर तो रही हूँ यहाँ भी, आपके लिफाफे बहुत कम है बाय द वे। अच्छा ठीक है देख लेते हैं। पैसे ज्यादा लिफाफे कम है मेरे पास ना, इतने ज्यादा लिफाफे पड़े हुए हैं। मैं आइडिया देती हूं जी, डायरेक्ट ही बच्चों को ऐसे देती हूं। ये आइडिया भी ठीक है। हां यार पैकेट वाले नोट, ये नहीं बात है, रुक गई ये काम देख के जो है ना खुशी नहीं होती। मेरी बात देख के खुशी होती है। मेरी बात सुनो, पैकेट्स बच्चों के लिए ना रखो क्योंकि ये बड़ों के लिए रखो। ठीक है बच्चों के लिए डायरेक्ट 75 वाले ज्यादा सारे नोट, और बच्चे जो रिजर्व करते हैं डन। वैसे तो मुझे हर कोई बच्चा देख ली, मुझे ऐसा लगता है यार ईद तो बच्चों की होती है, बच्चों को ही मनानी है। हम लोगों ने क्या ही जाके बाइट से चीज ले ली है। मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा बच्ची ही रहा है, ये भी डिफरेंट है। लेकिन मैं 75 लाख डिजर्व करती हूँ, 75 रुपीज में। बचपन में इन पैसों की इतनी कदर होती थी, आज कदर ही नहीं रही। मैं पता है मुझे ना तो अभी भी कदर है, 100 रुपीज मिलता था बचपन में, आज भी कदर करते हैं। नहीं लाइक एक वो चार्म नहीं है जो पहले होता था इनका, ऐसा सब चीजें सस्ती थी ना, महंगाई हो गई है अल्लाह का शुक्र। हाँ इसके सर पे एक ताज ला के रखो और इसको कहो बोंगो की क्वीन। बचपन गया ना बुढ़ापा, बुढ़ापा बचपन गया बुढ़ापा आ गया गाइस। फातिमा क्या वाओ वाओ, लोग बातें करते रह गए, फातिमा ने सारी ईदियां पैक करके रख दी। वाओ हाँ प्यारा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे जोरों शोर से ना ईद की पैकिंग चल रही है, और नोट जहाँ पे भी मैं देख रही हूँ गिरे हुए हैं। और मम्मा पैसा पैसा करती है क्यों पैसे? अरे चाहिए क्या औरत को पैसा? यही कोई 2-3 करोड़ रुपए औरत को चाहिए होती है इज्जत। इज्जत ठीक है साथ में पैसा, आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन नहीं सही कह रही हूँ लेकिन नहीं सही कह रही हूँ, मुझे चाहिए पैसा अपना कमाया हुआ। जो लड़का कह रही हूँ, हाँ। जो इंसान हाँ। चाहता है कि मैं खुश हूँ तो मुझे ऐसे ज्यादा सारे इनका बुके बना के भेजे, मुझे चाहिए वो। मैं गोल्ड डिगर हूँ बता दिया, मैं हूँ गोल्ड डिगर। कहते ना दुनिया में कौन लड़की होती है जो पैसों के पीछे मरती है? हाँ, मैं मुझे पैसे, मुझे ईदी चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ईदी चाहिए। ईदी में ज्यादा सारे पैसे चाहिए। मैं मजाक कर रही हूं, सारा झूठ बोला, सॉरी खोल के मजाक कर रही हूं। हां ना अपना सब कुछ कह रही हूं, चलो दे देना, लेकिन सॉरी मजाक कर रही हूं, लेकिन सॉरी मजाक कर रही हूं। मम्मा अब सबके लिफाफों में डाले इसमें तो मम्मा ने, मम्मा ये आपने कहा था कि ऐसे नहीं डाले हैं, ये हम सबको 1 by 1 देंगे, इसमें हम अभी ये वाले नोट फिल करते हैं। कह रही है मेरा पैकेट बता दो कितने डालने हैं। 1 मम्मा सिर्फ 1 ठीक है
अच्छा मुझे अच्छा, टाइम दे दोगे जितने टाइम में मैं जितने डाल सकूं। मम्मा आपने एक गफ्फा पकड़ना है और डाल देना। एक एक डालूंगी। आपको बस 5 सेकंड्स है। 1 2 3 4 5 मम्मा 5 मम्मा 5 सेकंड खत्म हो गए। कितने आए वैसे? छोड़े गाइस अब देखते हैं मम्मा ने कितने डाले। मम्मा आपने तो पूरा 1000 वाली अंदर ही डाला। मैंने इन पे हाथ ही नहीं लगाया, मैंने सारे ये वाले काउंट करते हैं मम्मा ने कितने अपने लिए लिए। 1 2 3 4 5 6 7 मेरी भी है अंदर। 9 10 11 12 13 14 बाजी हूँ मैं अपनी दीदी भी लेनी। 14 मामा ने ये बात मामा आपने दिल की किया। एक बात बताऊँ, मैंने सोचा था मैं मामा को 50,000 ही दी दूँगी, मम्मा ने लेकिन 14,000 सिलेक्ट किया। नहीं चाहिए मुझे 50 ही चाहिए। मैंने कहा मम्मा 50,000 मुझे और वो मुझे 50,000 मुझे पता है 50 कैसे चाहिए, इसकी पूरा वो बंडल चाहिए न्यू नोट। व्हाट अबाउट मी, मुझे कितनी? कितनी भी नहीं। कितनी मुझे भी नहीं। आपने 50 यार हीरा पे सही बताओ कितनी मुझे। ओए ये तो मैंने जीती है। हां तो मैंने जीता है भाई। जीतो पाकिस्तान चल रहा है। इंडिया जीत रहे आके। अब अलग से मामा को दो। ये तो मैंने जीती है। अलग वाले अलग है। लिफाफों में डालो सारे मेरे। चल ठीक है मामा। मुझे आप कितनी दे देंगी? मेरी तो बगैर बताने की होती है। ऐसी बगैर बताने की होती है कि वो कभी मिल ही नहीं पाती। उल्टा ली भी जाती ये है। विदाउट कैमरा मेरी दी होती है। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि मम्मा इतनी नहीं देती दी। मैं बड़ा कुछ देती। मैं गिनवाने पे आ गई ना, मेरी लिस्ट नहीं खत्म होनी। मामा आप हमारा ख्याल बहुत करती हैं। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। मैं कभी गिनवा भी नहीं सकती। मैं ये कह रही हूँ मामा ईदी अमिया जितनी भी होती है ना ईदियाँ रख लेती है, अपने पास देती नहीं है। जब बुलाए जवान हो जाते हैं फिर वो अम्मियों की ईदी देने का टाइम आता है। एग्जैक्टली अब मेरा लेने का टाइम है, देने का नहीं। पापा ने आपको क्या ईदी दी है? पापा से लेनी है। पापा देखते हैं क्या भेजते हैं। मुझे कह तो रहे थे भेजूंगा। क्या पता आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, कोई पता नहीं। नहीं मुझे कह रहे थे भेजूंगा। मैंने कहा क्या? कहते नहीं बताना। नहीं देखा, मैंने कहा था ना कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। पापा बड़े चलाक है। पापा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे मेरी दीदी चाहिए। बैंक में दे दें या डायरेक्ट भिजवा दें, क्या मर्जी कर दें। हर तरह का नोट एक्सेप्टेबल है। 5,000 10,000 2,000 5,000 से छोटा नोट नहीं चलेगा। आप हमें टूटी फूटी जो भी ईदी भेजेंगे हमें एक्सेप्ट। यस तो भाई ईद के जो लिफाफे शिफाफे हैं वो तो रेडी हो चुके हैं, हमने पैक करके रख भी दिया। किस किस को देने हैं वो भी बाद में बताऊंगी। जैसे हमने कल शॉपिंग करने जाना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ढेरों सारे कपड़े रख लिए हैं। ये मैं आपको अपना ईद आउटफिट नहीं दिखा रही है, मुझे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।